दम घुट रहा था हमारा उस शादी में, लेकिन अब हमने हमारी जिंदगी सवार ली है, हमारी एक बच्ची भी है और हमारे पति भी हमारी तरह डॉक्टर है। हमारे पास भले ही तुम्हारी तरह पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास वो दौलत है जो तुम जिंदगी में कभी हासिल नहीं कर सकते, परिवार की दौलत। और तुम आज भी अकेले। भगवान का शुक्रिया करना चाहिए मुझे कि तुम जैसी औरत से छुटकारा मिला मुझे। आज भी उस दिन को कोसता हूं मैं जिस दिन मुझे तुमसे प्यार हुआ था। अरे प्यार के तो क्या, इज्जत के भी लायक नहीं हो तुम। नफरत करता हूं तुमसे, नफरत। और बहुत अच्छा किया कि तुमने मेरी नसबंदी कर दी। गलती से सही, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। कहीं गलती से हमारा बच्चा हो जाता ना, तो वो भी तुम्हारी तरह मक्कार और हानिकारक होता। ठीक उसी तरीके से जैसे तुम्हारी ये बच्ची है। खबरदार, के खिलाफ एक लफ्ज भी अपनी जुबान से निकाला तो। कोई शौक नहीं है मुझे तुम्हारी बच्ची के बारे में कुछ कहने का, ठीक है? उसे संभाल कर रखो, और बेहतर यही होगा कि उसका और मेरा आमना सामना ना हो। दया आती है तुम पर। इस औरत से रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन भरोसा सोच समझ कर करना। भरोसा तोड़ना इसकी पुरानी आदत है, कहीं तुम्हारे भरोसे का भी फायदा ना उठा दे। अखिलेश, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी गाड़ी यहां से हटाकर चले जाओ, ताकि हम और हमारे पति अपनी बच्ची को लेकर घर जा सकें।